हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑफिशियल केयर में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि गर्मियों का मौसम चल रहा है, इस मौसम में दोस्तों अक्सर लोग खीरा बहुत खाते हैं। ठीक है, खीरा खाते हैं तो ये शरीर में क्या काम करता है, कितना बेनिफिट होता है, क्या हमें खीरा खानी चाहिए, कितनी मात्रा में खानी चाहिए, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। किन लोगों को लेनी चाहिए, हमारे सेहत के लिए और हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार जरूर दिखाएं। दोस्तों क्यूकुम्बर यानी कि जिसको खीरा बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड में क्यूकुम्बर बोलते हैं, जो कि इसमें 95% वाटर होता है। वाटर के साथ साथ दोस्तों कई ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं, कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि फायदा करता है। ठीक है, हम बात करेंगे, थोड़ा समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो पहला होता है दोस्तों, इसमें एनर्जी यानी कि कैलोरी पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों फाइबर पाई जाती है। ठीक है, फाइबर के अलावा दोस्तों इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, एंड दोस्तों विटामिन के होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, मैंगनीज होती है। ये दोस्तों कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं इसमें जो कि नेचुरली पाई जाती है इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके उपयोग के बारे में। तो पहला उपयोग होता है जैसे कि जिन लोगों को भाई डिहाइड्रेशन की समस्या होती है, यानी कि क्या होता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। अक्सर आप गर्मियों में देखते हैं कि हमारे बॉडी से क्या होता है भाई, पसीने के थ्रू वाटर निकल जाता है, पानी निकल जाता है, जिससे हमें प्यास भी ज्यादा लगती है और पानी की कमी होने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में खीरा काफी फायदेमंद होता है, आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, यानी कि हमारे शरीर में क्या होता है, जैसे कि जमा गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो वाटर होता है ये जल्दी से डायुरेटिक का काम करता है, जैसे कि हमारे किडनी से क्या होता है भाई, जमा गंदगी को या स्टोन होने के खतरे को ये बचाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो फाइबर होता है ये डाइजेशन के लिए काफी फायदेमंद होता है। जिन लोगों को भाई कब्ज बनी रहती है, जिनका डाइजेस्टिव हेल्थ ठीक नहीं होता है, जिनका खाना ठीक से नहीं पचता है, तो सलाद के तौर पर खीरे का उपयोग कर सकते हैं। इसके लेने से आपकी डाइजेशन ठीक रहेगी, आपके पेट में जो कब्जियत बनी रहती है यानी कि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, उससे भी राहत मिलती है। ठीक, दोस्तों जो खीरा होता है ये हमारे हार्ट के लिए यानी कि हृदय के लिए काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें जो मौजूदा पोटेशियम होता है ये हमारे हार्ट को पंप करने में मदद करता है और हमारे शरीर में जैसे कि क्या होता है भाई, सोडियम की मात्रा ना ज्यादा हो उसको मेंटेन करता है, सोडियम के लेवल को कम करने में मदद करता है, जिससे कि बीपी हमारी बढ़े ना, हमारी बीपी नियंत्रित रहे यानी कि कंट्रोल में रहे। ठीक है, खीरे में दोस्तों एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। दोस्तों खीरे में क्यूकरबिटेसिन क्या होता है नामक पदार्थ होता है, जो कि कैंसर के खतरों को भी बचाता है, उनके सेल को ग्रोथ होने से रोकता है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों जो क्यूकरबिटेसिन होता है इसकी वजह से क्या होता है, खीरा कड़वा होता है। तो अगर ये ज्यादा मात्रा में होता है तो खीरा कड़वा होता है। आप अक्सर देखते होंगे कि खीरे के अगले और पीछे सिरे में क्या होता है, दोनों सिरे में क्या होता है भाई, कड़वापन होता है। अगर आप काट के उसको फेंक देते हैं थोड़ा थोड़ा सा तो कड़वापन चला जाता है। ठीक है, तो क्यूकरबिटेसिन की वजह से कड़वापन होता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी कि हमारे स्किन के लिए काफी फायदेमंद होता है खाने से। ठीक है, इसके लेने से हमारी स्किन में ग्लोइंग आती है। ठीक है, हमारा स्किन जो होता है, फेस होता है, वो खिलता है, कील और पिंपल के मुहासे से भी ये बचाता है हमें। जिन लोगों को डार्क सर्कल हो जाती है भाई, वो फेस पैक के तौर पर भी इसको लगाते हैं। ठीक है, इस तरह से। इसके अलावा दोस्तों जिसे जिन लोगों को भाई एसिडिटी की समस्या होती है, उन लोगों में भी फायदा करता है, क्योंकि भाई इसमें जो वाटर होता है ये हमारे एसिड को एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, ये पीएच के लेवल को बैलेंस करने का काम करता है, जिससे कि हमें एसिडिटी की समस्या से राहत मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों खीरा खाने का सही तरीका क्या होता है, क्या बेस्ट टाइम होता है। तो दोस्तों खीरे को आप सुबह में खा सकते हैं, या इसके अलावा दोस्तों आप खीरे को दोपहर में खा सकते हैं, ये बेस्ट टाइम होता है खाने का, जिससे कि हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है। ठीक है, अब कह लेते हैं दोस्तों कि खीरे को कैसे खाना चाहिए। तो दोस्तों खीरे को हमेशा छिलके सहित खाना चाहिए, क्योंकि जो छिलके में छिलका होता है खीरे का, उसमें अक्सर क्या होता है, मिनरल्स होते हैं और फाइबर होते हैं, जो कि हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होता है। तो अपनी अपनी पसंद होती, वैसे आप विदाउट छिलके का भी खा सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।